यहाँ पे आपको अब एक 5-सीटर वेरिएंट भी मिलता है जो पहले मेरिडियन लाइनअप में नहीं था। और यहाँ पे जो मेजर चेंजेस हैं वो इंटीरियर में है, तो देखते हैं कि इंटीरियर में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। पीछे भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, जैसे पहले मेरिडियन आती थी वैसा ही डिज़ाइन लैंग्वेज आपको पीछे भी मिलने वाला है। अच्छा, यहाँ पे आपको क्रोम देखने के लिए मिलेगा जो बाकी वेरियंट्स में आपको नहीं मिलता है। जीप इंडिया हैज अपडेटेड इट्स एंटायर मेरिडियन लाइनअप इन द इंडियन मार्केट। यहाँ पे ब्रांड ने दो नए बेस वेरिएंट्स को ऐड किया है, नए फीचर्स ऐड किए हैं, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स में कुछ नए फीचर्स दिए हैं, इंटीरियर में बदलाव किए हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं हम आज आपसे अपने इस वॉक अराउंड वीडियो में। चारों वेरिएंट्स के बारे में हम बात करेंगे। अब आपको मेरिडियन चार वेरिएंट्स में मिलने वाली है। आप देख रहे हैं 91 व्हील्स, मैं हूँ आपका होस्ट प्रांशु, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर हम बात करें जो नया बेस वेरिएंट है जो कि ये लॉन्गिट्यूड वेरिएंट है, इसमें आपको क्या क्या मिलता है। अगर आप डिज़ाइनिंग की बात करें तो डिज़ाइन में आपको एज सच कोई मेजर चेंज नहीं दिखेगा। एक्सटीरियर में आपको क्रोम यहाँ पे मिल जाता है, ग्रिल के अंदर वही जीप की सिग्नेचर 7-स्लैट ग्रिल मिलती है। नीचे अगर आप आते हैं तो वहाँ पे भी आपको क्रोम मिलता है, आपको यहाँ पे बम्पर पे भी क्रोम मिल जाता है, यहाँ पे नीचे भी आपको क्रोम मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पे क्रोम काफ़ी दिया गया है। फ्रंट में LED DRLs आपको मिल जाते हैं, LED हेडलैम्प्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। अगर आप साइड प्रोफाइल में आते हैं तो आपको वही 18 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा साइड प्रोफाइल में भी कोई मेजर बदलाव नहीं किया गया है। जो इस पर्टिकुलर वेरिएंट में एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है वो है इसमें एक नया सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे आपको अब एक 5-सीटर वेरिएंट भी मिलता है जो पहले मेरिडियन लाइनअप में नहीं था। यहाँ पे जो आपका बेस वेरिएंट है लॉन्गिट्यूड वेरिएंट, इसे आप 5-सीटर वेरिएंट में ले सकते हैं। और 5-सीटर वेरिएंट में आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है, ओवर 600 लीटर्स का बूट स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है। आइए देखते हैं इंटीरियर में कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और 5-सीटर वेरिएंट में कम्फर्ट कैसा है। इंटीरियर की अगर बात करें तो मेरिडियन के बेस वेरिएंट में आपको ये सील ग्रे इंटीरियर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मटेरियल डैशबोर्ड पे मिल जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे ग्रे के साथ साथ सिल्वर फिनिश देखने के लिए मिलती है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ पे मिलता है, वही 10 इंच की टच स्क्रीन मिलती है जो आपको और वेरियंट्स में भी मिल जाती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करें तो आपको यहाँ पे एनालॉग क्लस्टर मिलता है विद NMID। इसके अलावा स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक आपको यहाँ पे मिल जाती है, कप होल्डर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे मोस्टली जो फीचर्स हैं उन्हें मेंटेन किया गया है। बेस वेरिएंट होने के बावजूद भी यहाँ पे आपको डिसेंट फीचर्स मिल जाते हैं। जो चीज़ें यहाँ पे मिसिंग हैं बेस वेरिएंट में वो हैं, यहाँ पे आपको कोई भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स नहीं मिलती हैं, फ्रंट सीट्स। इसके अलावा आपको यहाँ पे सनरूफ नहीं मिलती है कोई भी, और आपको यहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाता है बेस वेरिएंट में। बेस वेरिएंट में आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलते हैं। इंजन को सेम रखा गया है, 2 लीटर का डीजल इंजन आपको यहाँ पे मेरिडियन में मिलता है विद 6-स्पीड मैनुअल और एक 9-स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बेस वेरिएंट में। इसके अलावा आपको यहाँ पे कंफर्ट पहले जैसा ही मिलता है, सीट्स की कुशनिंग, सीट का कम्फर्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपको पहले मिलता था। सो बेसिकली बेस वेरिएंट में आपको 5-सीटर कॉन्फ़िगरेशन मिलती है। कुछ फीचर्स को यहाँ से हटा दिया गया है इसे मोर अफोर्डेबल बनाने के लिए, जैसे इसमें आपको फॉग लैंप्स नहीं मिलते, इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती है, इसमें आपको सनरूफ नहीं मिलती है, इसमें आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स नहीं मिलती हैं। तो इन फीचर्स को हटाने की वजह से ये वेरिएंट थोड़ा और अफोर्डेबिलिटी की तरफ ध्यान देता है और एक बेटर प्रपोजिशन प्रोवाइड करता है। अगर आप मेरिडियन लेना चाहते हैं और इतना ज़्यादा पे नहीं करना चाहते कि आप टॉप वेरिएंट तक जाएं, आइए देखते हैं कि इसके ऊपर का जो वेरिएंट है लॉन्गिट्यूड प्लस उसमें क्या क्या आपको मिल जाता है। सो जो सेकंड वेरिएंट है लाइनअप का जो है लॉन्गिट्यूड प्लस वेरिएंट, उसमें आपको एक्सटीरियर में जो एक एडिशन मिलता है वो है यहाँ पे LED फॉग लैंप्स जो आपको लॉन्गिट्यूड वेरिएंट में नहीं मिलते थे। इसके अलावा एक्सटीरियर में और कोई भी बदलाव नहीं है लॉन्गिट्यूड प्लस वेरिएंट में। आपको जो चेंजेस मिलेंगे वो मिलेंगे इंटीरियर में। सबसे एक जो पहला चेंज है वो आपको मिलेगा यहाँ पीछे, अगर आप देखें यहाँ पे भी आपको मैनुअल ही टेलगेट मिलता है, बट यहाँ पे आपको 7-सीटर का ऑप्शन मिल जाता है जो आपको लॉन्गिट्यूड वेरिएंट में नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको तीनों रोज मिल जाती हैं, और अगर आप इसके स्पेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसे आराम से फोल्ड भी कर सकते हैं, तो इसे आप एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं अंदर और क्या क्या बदलाव किए गए हैं इस वेरिएंट में जो इसे लॉन्गिट्यूड से अलग बनाते हैं। तो लॉन्गिट्यूड प्लस वेरिएंट के इंटीरियर में भी आपको जो लेआउट है और जो कलर थीम है वो सेम मिलने वाली है जैसा कि बेस वेरिएंट में मिलती है, बट यहाँ पे जो एक मेजर एडिशन है वो है ये पैनोरामिक सनरूफ।
यहाँ पे आपको एक बड़ी पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है जिससे कैबिन का एम्बियंस अच्छा हो जाता है। अगर आप देखें तो ये बहुत बड़े साइज की पैनोरामिक सनरूफ है, यहाँ पे कैबिन के एम्बियंस को एनहांस करती है। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है। तो इस वेरिएंट में आपको फीचर्स थोड़े ज़्यादा मिल जाते हैं और 7-सीटर कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है। तो अगर आप चाहते हैं एक अफोर्डेबल 3-रो ऑप्शन मेरिडियन लाइनअप में, तो लॉन्गिट्यूड प्लस वेरिएंट आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। आइए देखते हैं इसका जो थर्ड वेरिएंट है लिमिटेड ओ, उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और उसमें क्या क्या नए एडिशंस किए गए हैं। सो नाउ अब जो थर्ड वेरिएंट है लिमिटेड ओ वेरिएंट, इसमें भी आपको एक्सटीरियर में कोई बदलाव नहीं मिलेंगे। एक्सटीरियर आपको वैसा ही मिलेगा जैसा आपको बाकी लॉन्गिट्यूड और लॉन्गिट्यूड प्लस वेरिएंट में मिलता है। यहाँ पे आपको एक्सटीरियर में वो सारे फीचर्स मिलेंगे जो लॉन्गिट्यूड प्लस वेरिएंट में मिलते हैं। और यहाँ पे जो एक एडिशन है वो है पीछे, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज मिलता है जो कि बाकी नीचे वाले वेरिएंट्स में नहीं मिलता है। अगर आप इसे यहाँ प्रेस करेंगे तो ये अपने आप ओपन हो जाता है, तो वो एक एडेड कन्वीनियंस फीचर आपको यहाँ पे मिल जाता है लिमिटेड ओ वेरिएंट में। और इसे क्लोज करने के लिए आप इजीली यहाँ पे जो बटन दिया हुआ है इसे प्रेस कर सकते हैं एंड इट विल कम डाउन। तो ये एक एडेड कन्वीनियंस फीचर दिया गया है लिमिटेड ओ वेरिएंट में। आइए देखते हैं इंटीरियर में आपको क्या क्या चेंजेस मिलते हैं और क्यों ये वेरिएंट बाकी वेरिएंट से बेटर है। सो लिमिटेड ओ वेरिएंट के इंटीरियर में जो आपको एक सबसे बड़ा बदलाव दिखेगा वो है ये सीट्स का। यहाँ पे आपको बेज कलर की लेदरेट सीट्स मिलती हैं, ऑल लेदरेट सीट आपको यहाँ पे मिल जाती है। डैशबोर्ड पे आपको ब्लैक कलर का ट्रीटमेंट मिलता है विद बेज स्टिचिंग। फीचर्स यहाँ पे इंटीरियर में आपको जो कन्वीनियंस फीचर्स हैं वो वही मिलते हैं, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 10-इंच का टच स्क्रीन, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल और ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा जो यहाँ पे चीज़ें ऐड हुई हैं वो हैं ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स। लिमिटेड ऑप्शनल वेरिएंट अगर आप लेते हैं तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मिलता है एक ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसके अलावा आपको यहाँ पे मिलते हैं 9 एल्पाइन के स्पीकर्स जो आपको लॉन्गिट्यूड प्लस और लॉन्गिट्यूड वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको खाली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है और आपको यहाँ पे 4x4 भी मिल जाता है जो बाकी दोनों वेरिएंट्स में अवेलेबल नहीं है, वो दोनों वेरिएंट्स 4x2 में ही आते हैं। इसके अलावा जो बाकी कन्वीनियंस फीचर्स हैं जैसे कि पैनोरामिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, ये सब चीज़ें सेम रखी गई हैं। सेफ्टी के मामले में यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा भी मिलता है। तो ये फीचर्स ऐसे हैं जो इसे लॉन्गिट्यूड और लॉन्गिट्यूड प्लस वेरिएंट से अलग बनाते हैं। अब इसका जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है ओवरलैंड, उसमें क्या क्या फीचर्स ऐड हुए हैं, क्या क्या चेंजेस हैं, आइए देखते हैं उसको। लिमिटेड ऑप्शनल वेरिएंट अगर आप लेते हैं तो वहाँ पे आपको जो फ्रंट सीट्स हैं वो दोनों पावर्ड मिलती हैं। ड्राइवर सीट यहाँ पे 8-वे एडजस्टेबल है और आप इलेक्ट्रिकली उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक नया कन्वीनियंस फीचर आपको लिमिटेड ऑप्शनल वेरिएंट में मिलता है। नाउ दिस इज द टॉप ऑफ द लाइन ओवरलैंड वेरिएंट। और अगर आप इसके फ्रंट प्रोफाइल पे देखेंगे तो आपको ग्रिल में क्रोम का ट्रीटमेंट मिलेगा, जो ग्रिल के अंदर का पार्ट है यहाँ पे आपको क्रोम देखने के लिए मिलेगा जो बाकी वेरिएंट्स में आपको नहीं मिलता है। इसके अलावा बाहर कोई चेंज नहीं है स्पेशली फ्रंट फेशिया में। साइड प्रोफाइल में आएंगे आप तो आपको यहाँ पे स्लाइटली डिफरेंट डिज़ाइन मिलेगा अलॉय व्हील्स के लिए। और आपको जो यहाँ पे टायर साइज़ मिलता है वो 18-इंच ही है यहाँ पे भी, बट जो इसका डिज़ाइन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी वेरिएंट्स के अलॉय व्हील्स से। इसके अलावा यहाँ पे जो मेजर चेंजेस हैं वो इंटीरियर में है, तो देखते हैं कि इंटीरियर में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं ओवरलैंड वेरिएंट में। सो ओवरलैंड वेरिएंट में इंटीरियर में जो आपको एक और चेंज दिखेगा वो है यहाँ पे बिल्कुल नई सीट्स। जो कलर थीम है यहाँ पे वो बिल्कुल बदल दी है, बाकी वेरिएंट्स में आपको ये कलर नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको टैन लेदर सीट्स मिलती हैं विद स्वेड फिनिश, साइड में आपको स्वेड मिल जाता है। ओवरलैंड की बैजिंग आपको फ्रंट सीट्स पे मिलती है। अगर आप डैशबोर्ड पे भी देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो सॉफ्ट टच मटेरियल है ये स्वेड में दिया हुआ है पूरा, और टैन की स्टिचिंग की हुई है। और यहाँ पे जो डैशबोर्ड की ट्रिम है यहाँ पे भी आपको टैन कलर मिलता है, सेंटर कंसोल में भी आपको टैन कलर मिलता है। तो जो इंटीरियर कलर थीम है ओवरलैंड वेरिएंट की वो बिल्कुल अलग है बाकी वेरिएंट से। इसके अलावा यहाँ पे आपको 4x4 का ऑप्शन मिलता है जैसे आपको लिमिटेड ऑप्शनल वेरिएंट में मिलता है। ये वेरिएंट आपको खाली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन में ही मिलेगा। यहाँ पे आपको और जो चीज़ें मिलती हैं वो है अब 11 ADAS फीचर्स जो अब आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। लेवल 2 ADAS आपको ओवरलैंड वेरिएंट में मिलने वाला है। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे U-Connect फीचर भी मिलता है, जो जीप यू कनेक्ट फीचर है जिसके थ्रू आप अपने फ़ोन से काफ़ी सारी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं। एलेक्सा 2 कार फीचर आपको यहाँ पे मिलता है, आप रिमोट इंजन स्टार्ट कर सकते हैं, आप रिमोटली AC स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी गाड़ी के टेलीमेटिक्स अपने फ़ोन पे देख सकते हैं। तो यू कनेक्ट फीचर की वजह से थोड़ी कन्वीनियंस और बढ़ जाती है और ज़्यादा कनेक्टेड हो जाती है गाड़ी।
स्क्रीन आपको यहाँ पे वही 10 इंच की मिलती है, 10.2 इंच की मिलती है। यू कनेक्ट फीचर आपको टॉप ऑफ द लाइन ओवरलैंड और लिमिटेड ऑप्शनल दोनों वेरिएंट में मिल जाता है। ओवरलैंड वेरिएंट में अब आपको एनहांस सेफ्टी मिलती है विद 11 लेवल 2 ADAS फीचर, जिसमें आपको लेन कीप असिस्ट, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, सराउंड व्यू मॉनिटर, ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग, ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं। इन नए वेरिएंट्स और नई फीचर ऑफरिंग के साथ जीप टारगेट कर रहा है उन कस्टमर्स को जिन्हें एक 3-row SUV चाहिए या एक डी सेगमेंट SUV चाहिए, और ज़्यादा बूट स्पेस के साथ, ज़्यादा फीचर्स के साथ और एक अच्छी रोड प्रेजेंस के साथ। जीप इंडिया ने इन सारे वेरिएंट्स को एक अच्छे प्राइस पे लॉन्च किया गया है, और सारे वेरिएंट्स की जो प्राइस लिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आपके क्या व्यूज़ हैं नए जीप मेरिडियन वेरिएंट्स को लेके एंड अपडेटेड एग्जिस्टिंग वेरिएंट्स को लेके, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।